हेलो फ्रेंड्स, देसी दादी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। छोटी दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमने बनाई है शिमला मिर्च की सब्ज़ी के साथ मूंगफली वाली हरे धनिए की चटनी। तो आइए आपको दिखाते हैं क्या किया गया। पहले तो हमने सब्ज़ी को धोकर काट लिया, फिर कढ़ाई में डाला थोड़ा सा सरसों का तेल, उसे कुछ देर गर्म होने दिया गया। फिर गर्म तेल में थोड़ा जीरा डालने के बाद में जो आलू छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए थे उन्हें डाल दिया गया। आज की ये सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज के बन रही है, इसलिए हमने डायरेक्ट आलू डाले। उसके बाद में कटी हुई शिमला मिर्च, कटे हुए टमाटर और डाली हरी मिर्च जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया गया था। फिर इसके बाद में हमने इसमें डाली थोड़ी सी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक और हल्दी। तो इन मसालों को कढ़ाई में पहुँचाने के बाद में हमने इसको अच्छे से मिलाना शुरू करा। थोड़ी देर सब्जी को चलाया गया मसालों को मिक्स करने के बाद में हमने इसे ढक दिया पकने के लिए और इंतज़ार किया गया कि सब्ज़ी जल्दी ही बनकर तैयार हो जाए, क्योंकि भूख बड़े ज़ोरों की लगी थी। तो थोड़ी देर बाद प्लेट को हटाकर चेक किया गया कि सब्ज़ी कैसी है और सबसे पहले सब्ज़ी को मिक्स करा और चेक करा कि ये पकी है या नहीं। लेकिन गैस का फ्लेम अभी बंद नहीं करा था। आइए आपको दिखाते हैं पास से सब्ज़ी कैसी थी। तो अगर आपको खड़ी खड़ी सब्ज़ी पसंद है तो आप इस टाइम पे गैस बंद कर सकते हैं, जैसे कि हमने कर दी। उसके बाद में हरे धनिए से गार्निश किया गया। तो बिना लहसुन प्याज की आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी हो चुकी थी तैयार। अब बारी थी चटनी बनाने की। तो आज हमने हरे धनिए की चटनी बनाई है, जिसमें इस्तेमाल किया है मूँगफली की गिरी का। आइए आपको दिखाते हैं कैसे बनाई हमने ये चटनी। सबसे पहले तो हमने सारा सामान निकाल कर एक जगह इकट्ठा कर लिया था, जो भी हमारे चटनी बनाने में यूज़ होने वाला था। फिर हमने एक बर्तन में साफ़ पानी लिया, उसमें हरे धनिए को धोकर निकाल लिया प्लेट में। उसके बाद एक एक करके पहले हरी मिर्च को भी धोकर रख लिया गया और साथ ही अदरक के टुकड़े को भी धोकर रख लिया गया। तो जैसे ही ये सारा सामान हमने अच्छे से साफ़ कर लिया, उसके बाद में अब बारी थी सारे सामान को काटने की। तो सबसे पहले हरे धनिए को थोड़ा काट लिया गया, क्योंकि इससे चटनी बनाने में आसानी चटनी जल्दी ही पिसकर तैयार हो जाती है, टाइम नहीं लगता इसमें। तो हरे धनिए को काटने के बाद में उसे पहुँचा दिया गया मिक्सी जार के अंदर और फिर हमने एक एक करके सारी हरी मिर्च को भी काट लिया और अदरक को भी काट कर डाल दिया गया इसमें। फिर तो डाला थोड़ा सा सेंधा नमक, आप चाहे तो सादा नमक या काला नमक जिसका भी प्रयोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिर डाली इसमें हमने थोड़ी मूंगफली की गिरी, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद में थोड़ा सा जीरा डालने के बाद पानी डालकर इसे हम मिक्सी के पास ले गए पीसने के लिए। तो हरे धनिए की चटनी मूंगफली वाली भी हो चुकी थी तैयार। आज की ये वीडियो आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।